क्या है हकूमत से, दफ्तर खारजा से, और वो ये है कि उनकी वालदा की जो ख्वाहिश है कि उनका जस्त खाकी जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाया जाए, वो कर्ब में है। उनका बोझ हल्का होगा अगर वो अपने बेटे का चेहरा देख सकें और उसको अलविदा कह सकें, और ये उनकी ख़ानदान की, ये उनकी फैमिली की ख्वाहिश है, और हमारी पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो। इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्यों हुआ? उनका बेटा अगर छिना तो क्यों छीना गया? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मामलात की तहकीक होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये एक फितरी सी बात है, और ये ख्वाहिश एक ख़ानदान की तो है ही है, एक माँ की तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी सहाफ़ी बिरादरी की भी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक जिसको वो सच समझता था वो बोलता था दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, वतन से मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला, जो उसके उसको विरसे में मिला था वो विरसा उसका नज़र आता था उस मट्टी से मोहब्बत का। और तहाई अफसोसनाक, सुबह पटिशन एक फाइल की गई है जी, कि जिसका मुतालबा है कि अदालती कमीशन बनाया जाए तहकीकात करने के लिए, और मैं भरपूर तरीके से उसकी तायद करता हूँ, और बिल्कुल यह होना चाहिए। जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, उसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि सच जो है सबके सामने। वालदा की बहादुरी को मैं किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करूँ कि जिस तरह वो सब्र से काम ले रही हैं, पूरी फैमिली उनकी, उनके बच्चे भी, सारी फैमिली, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। सच सामने आना चाहिए। जुडिशल, मैंने अपनी ट्वीट भी की है, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और सच को हर हालत में सामने आना चाहिए। देखें, जो बात हुई है, जुडिशरी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक मुआशरे का सबसे अहम सतून है, और उसके बगैर एक रियासत जो है वो नहीं चल सकती। जुडिशरी को हम लोग, अदलिया को हमसारों की जिम्मेदारी है, उसको स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन होना चाहिए, और इस कमीशन के लिए। कि दुनिया में वो एक बड़ा नाम था, और उसकी पहचान ये थी कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हक और सच का नाम बुलंद करने वाला आदमी था, और उसने हमेशा जो सही समझा उसने वही कहा। देखिए, हम बात करते हैं आईन, आईन की बालादस्ती की और कानून की अमलदारी की। जब ये दो चीज़ें किसी माशरे में से निकल जाती हैं तो फिर वहाँ पर सिर्फ जंगल का कानून होता है। कि ज़मीर की आवाज़ को दबाने के लिए इस किस्म के कत्ल हों, सीनियर सिटीजन को, वकला को और पार्लिमान को इस तरीके से बरहना किया जाए। और जजे साहब, मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का डर उस दिन से कि जब ये किसी जज के कपड़े उतारेंगे। वो एक नडर था, मौत उसका ताकब कर रही थी, पिछले 6 माह से ताकब कर रही थी, और आखिरकार उसने उसे आन लिया। अल्लाह मियाँ उसकी शहादत कबूल करे, और आपके लिए, सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। के फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता। बज़ाहिर तो जसद खाकी में वो पन्हा हो गया, लेकिन वो पूरी इस मुल्क की फजाओं के अंदर, आज़ाद फ़जाओं के अंदर बिखर गया है। उसका पैगाम हर घर तक, हर दिल तक, हर मकाम तक पहुंच गया है।